एक समय की बात है जहाँ एक गांव में एक बहुत घना जंगल हुआ करता था। उस जंगल में कई जानवरों के बीच वहाँ एक हिरन का समूह भी रहता था जो आपस में बहुत मिलजुल कर रहा करता था। बड़े प्यार और लगाव के साथ रहने वाले समूह में एक बड़ी हिरन और उसके चार छोटे बच्चे रहते थे जिनका नाम भोलू, किट्टू, चंपू और छोटू था। एक सुबह हर रोज की तरह हिरनी अपने बच्चों के साथ जंगल में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। हिरनी और उसके चार बच्चे जंगल में अपने खाने पीने की व्यवस्था में लगे हुए थे। तभी हिरनी जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे दिखता है कि उसके चार बच्चों में से एक बच्चा किट्टू गायब है। ये देखते ही हिरनी बहुत परेशान हो जाती है और अपने बाकी बच्चों से पूछती है, अरे ये किट्टू कहाँ गया? फिर कहीं कूदने फांदने तो नहीं चला गया ना? किट्टू के गायब होने से हिरनी को लगता है कि वो शरारत करने के लिए कहीं चला गया है और खुद आ जाएगा, जिसके बाद वो अपने बाकी बच्चों के साथ जंगल में आगे बढ़ जाती है। कुछ ही देर बाद हिरनी घास खा ही रही होती है तभी उसे दूर से एक तेज आवाज आती है, बचाओ माँ, बचाओ, बचाओ माँ। तभी हिरनी सतर्क हो जाती है और उस आवाज को तुरंत पहचान लेती है क्योंकि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि किट्टू की थी। किट्टू? ये तो किट्टू की आवाज है, ये ऐसे चिल्लाकर मुझे क्यों आवाज लगा रहा है और वो मुझे दिखता क्यों नहीं है? किट्टू कहाँ है तू? हिरनी की ये सब कहने के बाद भी किट्टू सामने नहीं आता है। अब हिरनी समझ चुकी थी कि ये उसके बच्चों की कोई शरारत नहीं बल्कि किट्टू सच में मुसीबत में फंसा है, जिसके बाद हिरनी आवाज का पीछा करते करते एक गुफा के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर वो किट्टू को आवाज लगाती है जिससे उसे पता चल जाता है कि किट्टू गुफा में ही है। माँ मुझे बचाओ, मैं यहाँ गुफा में हूँ। हिरनी जैसे ही एक नज़र गुफा पर डालती है उसे समझ आ जाता है कि ये किसी आम जानवर का गुफा नहीं बल्कि एक बाघ का गुफा है और वो डर जाती है कि अंदर कहीं बाघ तो नहीं है। हिरनी हिम्मत करके किट्टू को बचाने के लिए गुफा में घुसती है। गुफा में घुसते ही वो देखती है कि गुफा खाली है, जिसके बाद वो किट्टू को गुफा से सही सलामत बाहर निकाल लेती है। बच्चों हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, ये कोई मामूली गुफा नहीं बल्कि एक बाघ की गुफा है। ये सुनते ही सभी बच्चे डर जाते हैं। इस पर हिरनी कहती है, नहीं बच्चों डरो मत, अभी गुफा में बाघ नहीं है इसलिए हम सब सुरक्षित हैं। इससे पहले कि बाघ वापस आ जाए हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। इतना कहकर हिरनी अपने बच्चों के साथ गुफा से निकलने के लिए तैयार हो जाती है। तभी उसे बाघ की दहाड़ने की बहुत तेज आवाज आती है। लगता है बाघ वापस आ गया है और वो अपने गुफा की तरफ ही आ रहा है, अब हम क्या करें? बाघ की आवाज सुनते ही हिरनी और सारे बच्चे घबरा जाते हैं। तभी हिरनी अपने तेज दिमाग लगाती है और बच्चों से कहती है, बच्चों एक काम करो, तुम सब गुफा के अंदर छुप जाओ। हिरनी के ये कहते ही उसका बेटा भोलू कहता है, माँ ये तुम क्या कह रही हो? बाघ अपनी गुफा में ही आ रहा है और तुम हमें कह रही हो कि हम गुफा में ही छुप जाएं? भोलू की ये बात सुनकर हिरनी उससे कहती है, बेटा मैं तुम सबके भले के लिए ही कह रही हूँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है जिससे हम सब उस बाघ को बेवकूफ बनाकर अपनी जान बचा सकते हैं। बस मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करते जाओ। अपनी माँ की इस बात पर सारे बच्चे राजी हो जाते हैं और गुफा में छिप जाते हैं। उधर बाघ अब गुफा की ओर नजदीक आ चुका था। तभी इधर से हिरनी तेज आवाज में कहती है, इंतजार करो बच्चों, मैंने अभी एक बाघ की आवाज सुनी है, वो इस गुफा की तरफ ही आ रहा है, थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी उसे मारकर तुम लोगों के सामने परोस दूंगी, फिर तुम सब अपना रात का खाना मजे से खाना। आवाज सुनते ही बाघ सहम जाता है और कहता है, ये आवाज तो मेरी गुफा के पास से आ रही है, जरूर कोई खतरनाक जानवर मेरा इंतजार कर रहा है ताकि वो मुझे मारकर अपने बच्चों को खिला सके। मुझे यहाँ से जल्द भागना होगा, नहीं तो वो मुझे मारकर अपने बच्चों को खिला देगा। ये कहते ही बाघ वहाँ से भाग जाता है। कुछ ही दूर आगे जाने पर रास्ते में उसे एक लोमड़ी मिलता है। वो बाघ को रोक लेता है और उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम इतनी तेज क्यों भाग रही हो और इतने डरे हुए क्यों? अरे मेरी गुफा के अंदर कोई बहुत बड़ा जानवर आ चुका है
और वो मेरा इंतजार कर रहा है कि कब मैं अंदर आऊं और वो मुझे मारकर खा जाए। बाघ की बातें लोमड़ी के समझ से परे थी, इसलिए उसने बाघ से बोला, कौन है तुम्हारी गुफा में? तुमने किसी को देखा? और तुम्हें ये कैसे पता है वो तुम्हें मारने ही आया है? अरे मैंने आवाज सुनी है, वो अपने बच्चों से बोल रहा है कि मैं जब गुफा में आऊंगा तो वो मुझे मारकर अपने बच्चों को खिलाएगा। मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ और तुम भी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो वो तुम्हें भी मारकर अपने बच्चों को खिला देगा। बाघ की ये बातें सुनकर लोमड़ी समझ जाता है कि बाघ बेवकूफ और डरपोक है, क्योंकि बाघ तो खुद सबसे शक्तिशाली जानवर है, तो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली जानवर तो कोई हो ही नहीं सकता है। जिसके बाद वो बाघ से कहता है, तुम पागल हो? एक बाघ से ज्यादा शक्तिशाली जानवर कोई हो सकता है क्या? तुम चलो मेरे साथ अपनी गुफा में, मैंने अपनी आंखों से देखा है कुछ हिरण को जाते हुए। लोमड़ी की बातें सुनकर बाघ मान तो जाता है, लेकिन उसे लोमड़ी पे शक रहता है कि कहीं वो बड़ा जानवर देखकर उसे अकेले छोड़कर भाग जाएगा। जिसके बाद वो लोमड़ी से कहता है, अगर वहाँ कोई बड़ा जानवर हुआ और तुम मुझे वहाँ छोड़ के भाग गए तो? ये लो, मैं अपनी और तुम्हारी पूंछ एक साथ बांध देता हूँ, जिससे मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से नहीं भाग पाऊंगा। इसके बाद लोमड़ी बाघ के साथ अपनी पूंछ बांध देता है और दोनों गुफा की तरफ पहुँचते हैं। गुफा में बाघ के साथ लोमड़ी को देखकर हिरन दोबारा जोर से चिल्लाती है, देखो बच्चों, तुम्हारा आज का खाना बाघ आ गया है। मैंने उसे जाल में फंसाने के लिए एक लोमड़ी का सहारा लिया है, ताकि वो लोमड़ी उसे अपनी बातों में फंसाकर यहाँ लाए और उसे मारकर हम खा सके। हिरणी की ये बातें सुनकर बाघ डर से कांपने लगता है और लोमड़ी से कहने लगता है, लोमड़ी तूने मेरे साथ गद्दारी की? मैं पता था कि यहाँ बहुत विशाल जानवर है और तुमने मुझे यहाँ लाने के लिए मुझे राजी कर लिया। तुमने तो मेरे साथ ही गद्दारी कर दी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले कि लोमड़ी कुछ कह पाता, बाघ दौड़ पड़ा। बाघ एक तेज धावक था और पूंछ बंधे होने की वजह से लोमड़ी भी उसके पीछे जमीन पर घसीटता हुआ खींचता रहा। रास्ते में दो बड़े पत्थर होने की वजह से लोमड़ी का सर उसमें फंस गया। इधर बाघ के भागते ही हिरनी और उसके बच्चे खुशी से झूमने लगे और बिना एक पल भी देर किए गुफा से निकल गए।